हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, एक ब्लॉग का मैंने यहीं पर एंड किया था और दूसरा ब्लॉग यहीं से शुरू कर दिया है, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं इसलिए। तो यहाँ पर जो है ना, हम लोग तैयार हो चुके हैं और बस जा रहे हैं, जहाँ पर शादी है वहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं। तो ये मामा जी जा रहे हैं इस वाली गाड़ी में और गाड़ी आ रही है, हम लोग भी जाएंगे। तो हम लोग वेट कर रहे थे गाड़ी का, घर में लॉक लगा दिया है क्योंकि शादी जो है ना वो दूसरी जगह है, तो सब लोग वहीं पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और रॉबिन जो है वो अपनी ब्लॉग बना रहा था, इसलिए उसने यहाँ पर हम लोगों को खड़ा कर दिया था। तो बस वही शूट कर रहा था। तो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर बैंकेट हॉल में और उसके बाद जो है ना, यहाँ पर मतलब बारात वगैरह तो आ चुकी है लेकिन दुल्हन की एंट्री नहीं हुई है अभी। तो फ्रेंड, यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो चुकी है और इधर जो साइडों में खड़ी हुई है, ये मेरी मामा जी की बेटी हैं छोटी, और मामी जी खड़ी हैं, दोनों मेरे भाई खड़े हैं। इधर साइड में जो खड़े हैं वो मेरे बड़े मामा जी के बेटे हैं और इधर साइड में जो खड़ा है वो मेरे छोटे मामा जी के बेटे हैं। तो सभी जो हैं, मेरे भाई बहन हैं, भाभी हैं, मामी हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर। और ये सभी लोग जो है ना, पहली बार मेरी जो है ब्लॉग में आए हैं। तो यहाँ पर दुल्हन आ चुकी है और अब जयमाला वगैरह होंगी। तो चलिए फ्रेंड, एंजॉय कीजिए आप लोग। थोड़ा आगे जी, थोड़ा लाइट आ रही था थोड़ा। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो है जयमाला वगैरह हो चुकी है और अब हो रहा है फ़ोटोशूट। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो बस यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा है और सभी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर।
तो फ्रेंड ये जो क्लिप है ये करीबन 4 बजे की है, जिस टाइम फेरे वगैरह सब कुछ हो रहे थे, तो हम लोग जो है देख नहीं पाए थे क्योंकि मैं बच्चों को लेकर ना हम लोग रूम में जो है लेट गए थे, क्योंकि बच्चे ठंड में परेशान हो रहे थे। तो मैं, दीदी वगैरह हम सब लोग रूम में चले गए थे और उसके बाद फेरे वगैरह हो रहे थे, तो उस टाइम हम आ नहीं पाए थे और फेरे होने के बाद आ गए थे। तो ये भाभी यहाँ पर कुछ रस्म कर रही हैं, और ये है मेरे बड़े मामा जी के जो बेटे हैं उनकी वाइफ, और मतलब अभी तो सिर्फ एक ही भाभी, वैसे तो बहुत सारी भाभी हैं लेकिन मामा जी के जो बेटे हैं उनमें मतलब यही भाभी हैं। तो ये रस्म कर रही थी, जो बिछे वगैरह दबाए जाते हैं शायद वो रस्म हो रही है। यहाँ पर भैया बैठे हुए हैं, ये इनकी वाइफ हैं, और पर्सनली मैं आपको इनसे मिला नहीं पाई क्योंकि टाइम ही इतना, मतलब मैं गई लेट थी और फिर वहाँ से आना हो गया था तो पर्सनली नहीं मिला पाई, मिलाऊंगी ज़रूर। बहुत ही प्यारी सी हैं, बहुत अच्छी हैं ये। और फ्रेंड ये जो क्लिप है करीबन 11:30 बजे की है, यहाँ पर हो रही है विदाई, और ये जो समय होता है ना इस टाइम पर सभी की आँखें नम होती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब समय होता है ये। और जब मतलब लड़की कोई भी विदा होती है ना तो अपना समय याद आ जाता है हम लोगों को, तो बस यहाँ पर विदाई हो रही है।